का वो पेपर थोड़ा सा हल्का होता है, ये सबसे बेस्ट कराची है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अहिल और आप देख रहे हैं आपका पाकिस्तान। इस वीडियो में मैं आपको वॉलपेपर शीट्स के प्राइसेस और इसकी पायदारी के बारे में बताऊंगा। वॉलपेपर पैनलिंग का जमाना हुआ पुराना और वैसे भी ये इतनी पायदार साबित नहीं हुई, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा सजाद भाई, आप मुझे यह बताएं कि वॉलपेपर शीट्स की प्राइस कहां से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम और मिनिमम कितनी? जो हमारे पास से अच्छी क्वालिटी का वॉलपेपर है चाइना में, जो वो 3500 का एक रोल है विद फिटिंग, और जो कोरियन वाला वॉलपेपर है वो 4500 का एक रोल है विद फिटिंग, और विदाउट फिटिंग जो चाइना वाला है वो 3000 का और कोरियन वाला वो 4000 का। प्राइस में इसलिए डिफरेंस है, जो चाइना का वो पेपर थोड़ा सा हल्का होता है और जो कोरियन वाला पेपर है वो भारी होता है, और जो चाइना का पेपर है उसके दीवार में अगर एग्जांपल 10 जोड़ आते हैं तो जो कोरियन पेपर है उसमें 5 आएंगे, उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है कोरियन पेपर की, इसलिए वो पेपर भी बहुत भारी होता है। वो आपकी दीवारें साफ़ हैं तो फिर तो इसकी लाइफ टाइम गारंटी है, क्योंकि ये बिल्कुल दीवार के साथ चिपक जाता है, ठीक है, इसकी लाइफ टाइम गारंटी है। इसको लगाने के लिए वाइट गिल्लू और गम वगैरह और एक दो केमिकल और मिला के जो इसको कारीगर वो पेस्ट करते हैं। नॉर्मल कमरा तैयार होता है 10x12 का, तकरीबन उस पर तकरीबन 30 से 35 हज़ार के दरमियान खर्चा है, और जो अगर कोरियन में तैयार करवाएंगे वो तकरीबन 40 से 45 हज़ार का खर्चा है। अगर वॉलपेपर के लिहाज से देखें कराची सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम भी ज़्यादातर कराची से इम्पोर्ट करते हैं और कराची बाहर से मंगवाती है, चाइना से, कोरिया से, इटली से। अच्छा, अक्सर लोग पीवीसी शीट्स भी लगवाते हैं और कुछ लोग वॉलपेपर शीट्स भी लगवाते हैं, तो आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि क्या चीज़ ज़्यादा पायदार है, क्या चीज़ लगवानी चाहिए? मैं तो यही आपको मशवरा दूंगा कि सबसे पायदार वॉलपेपर है, और ये इसकी लाइफ भी ज़्यादा है, और इस जिस घर में बच्चे हैं बच्चों से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर पीवीसी शीट लगवाएंगे उसको बच्चे तोड़ देंगे, और एक अगर शीट टूट जाती है पूरी दीवार की शीट चेंज करनी पड़ती है। आप शीट लगवाते हैं बाद में शॉप पे जाते हैं पीछे डिज़ाइन ही नहीं होता, और दिन ब दिन वो चेंज होते रहते हैं, और वो बच्चों वाले घर के लिए सही भी नहीं है। अच्छा, आप मुझे बता रहे हैं कि वॉलपेपर शीट्स की लाइफ टाइम गारंटी होती है, तो ये किस चीज़ से ये ख़राब होती है और किस चीज़ से इसको बचाना चाहिए? वॉलपेपर को सिर्फ डैमेज करने वाली अगर आपके घर में सिल वगैरह है तो उससे ये डैमेज हो सकता है, बकाया कोई चीज़ इसको डैमेज नहीं कर सकती। बच्चों वगैरह से भी इसको कोई खतरा नहीं है, ये सही मजबूत है, बच्चे वगैरह इसको नहीं छेड़ सकते। ये दीवार के साथ बिल्कुल चिपक जाता है, जैसे आप पेंट वगैरह करवाते हैं यही समझ लें, ये समझ लें वॉलपेपर करवा लिया आपने। क्योंकि इसकी जो फ्रंट साइड है वो उस पर पीवीसी पेपर की पेस्टिंग होती है, ठीक है, आप इसको गिले कपड़े से भी आप इसको साफ कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी पैकेजिंग कैसे होती है? इसकी भाई जो पैकिंग होती है वो रोल की होती है, ठीक है, रोल के अलावा अगर आपको एक फुट भी पेपर चाहिए वो भी नहीं मिलेगा, अगर आप ये रोल के अलावा नहीं मिलती, रोल की पैकिंग में आती है, ठीक है। एक नॉर्मल कमरे में कितने रोल लग जाते हैं? तकरीबन 10 रोल लग जाते हैं। तो नाज़रीन, आज मैंने आपके साथ शेयर की एक वॉलपेपर शीट्स की बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपका पाकिस्तान टीवी को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ अपने मेज़बान अहिल को दीजिए इजाज़त।